कुछ नए तरीके के पापड़ एकदम टेस्टी और हेल्दी से पापड़ मिल जाए तो क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज जो हम पापड़ बना रहे हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये चुकंदर से बने हुए पापड़ हैं और ये पालक से बने हुए पापड़ हैं, तो एकदम बहुत ही बढ़िया से पापड़ हैं जिन्हें आप अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, सर्व कर सकते हो। ये आपको मैं दिखा रही हूँ जिनको मैंने फ्राई किया है, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से पापड़ बनते हैं और इतने ज़्यादा टेस्टी हैं, आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे इस तरह के पापड़। बहुत प्यारे से पापड़ हैं और ये तवे पे रोस्ट किए हुए पापड़ हैं। तो पूरी रेसिपी में आपको दिखाऊंगी कि पापड़ किस तरह से मैं बनाऊंगी, किस तरह उसका आटा आपको बनाना है और किस तरह से आप उसको सर्व कर सकते हो अलग अलग तरीके से। ये गैस पे सेके हुए मैं दिखा रही हूँ आपको और कलर भी बहुत प्यारा आया है पापड़ का, पालक और चुकंदर के पापड़ हैं, तो एकदम टेस्टी और हेल्दी से पापड़ है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते बनाना। यहाँ मैंने लिया चुकंदर, तो एक बड़ा सा चुकंदर था, मैंने आधा चुकंदर लिया है और उसके पीसेस कट कर लिए। इसको हमें मिक्सी में डाल के पीसना है, इसकी पेस्ट रेडी करना है। पेस्ट रेडी करने के लिए आप 2-3 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हो उसमें। यहाँ मैंने पालक लिए, तो आप देख सकते हो मुट्ठी भर के पालक है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसकी भी पेस्ट हमें बनानी है। तो दोनों की पेस्ट मैं अलग अलग रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ चुकंदर की पेस्ट मैंने रेडी की है, इसमें लगभग 2-3 चम्मच पानी का मैंने डाल दिया था पेस्ट बनाते वक्त, और पालक की पेस्ट बनाई है, इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया, ऑलरेडी पत्ते जो थे गीले थे क्योंकि। तो चलिए आटा बना लेते। तो यहाँ मेरे पास पापड़ का आटा है जो कि उड़द और मूंग दाल मिक्स वाला आटा है, लास्ट टाइम ही मैंने आपको दिखाए थे पापड़। तो ये रेडीमेड आटा बना हुआ मिलता है, उड़द मूंग दाल मिक्स पापड़ का आटा है। अब अगर आपको उड़द दाल का सिर्फ मिल रहा है तो उड़द दाल के भी बना सकते हो या सिर्फ मूंग दाल के भी बना सकते हो, ये मिक्स वाला है, दोनों हाफ हाफ क्वांटिटी में है। या मैं डाल रही हूँ काली मिर्च दरदरी कूटे हुए, तो आधा चम्मच रहेगा काली मिर्च, एकदम दरदरी कूटी हो, बारीक वाली नहीं हो, दरदरी सी कूटी हुई हो। और यहाँ पे डाल दे रही हूँ जीरा, जो कि आधा चम्मच जीरे का रहेगा, तो थोड़ा कम ज़्यादा मसाला आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये है 1 छोटा चम्मच पापड़ खार, तो ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है पापड़ खार आपको डालना। पापड़ खार अगर आपको आसपास की शॉप में नहीं मिलती है तो आपको ऑनलाइन आप ले सकते हो। ये एकदम थिक सी रहती है, नॉर्मल सोडा सी थिक रहती है और इसमें एक चमक रहती है, शाइन सी रहती है, तो आप देख सकते हो एकदम शाइन करती है ये जो पापड़ खार रहती है ना। तो पापड़ खार डालना यहाँ पे आप बहुत ज़रूरी है। तो 1 कप आटे में 1 छोटा चम्मच भर के आपको पापड़ खार डालना है और आधा चम्मच रहेगा नमक का। तो ये मेजरमेंट आप एकदम परफेक्ट से मैं आपको बता रही हूँ, उतना ही आपको डालना है। बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और एक आटा बनाना है हमें। तो इसमें आप काली मिर्ची की जगह चिली फ्लेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से बस हमें आटा बनाना है। तो पहले पालक वाला मैं बना रही हूँ, तो पालक की जो प्यूरी हमने बनाई है उसको बस डालते हुए आटा बनाना है हमें। तो एकदम टाइट सा आटा हमें गूंदना है, बस ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच पानी की हम यहाँ पे और डाल देंगे। ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमें आटा जो है ना एकदम थिक चाहिए, टाइट वाला आटा गूंदना है यहाँ पे। एकदम नॉर्मल आटा, मतलब रोटी जैसा आटा नहीं गूंदना है, टाइट वाला आटा गूंदना है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मैंने मसाज कर ली है और ये आटा हमारा रेडी है। आगे की स्टेप्स आप पूरी फॉलो कीजिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा बिना स्किप किए, तो परफेक्ट पापड़ बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे दूसरा बोल ले लिया मैंने, आटा डाल दिया, वही आटा है उड़द और मूंग दाल वाला आटा है यहाँ पे, और इसमें भी मैं काली मिर्ची डाल दूँगी दरदरी कूटी हुई, आधे चम्मच जितनी है, उससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। और थोड़ा सा जीरा रहेगा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आप हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल सकते हो, लहसुन कुटी हुई आप ऐड कर सकते हो, अपने फ्लेवर आप दे सकते हो पापड़ में। आधा चम्मच रहेगा नमक का, तो नमक मैं सेंधी नमक का यूज़ कर रही हूँ। और ये पापड़ खार है जो मैंने आपको पहले बताया, 1 छोटा चम्मच पापड़ खार, तो वो पापड़ खार आप प्लीज़ डालिए। इसमें मैं बेकिंग सोडा का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो वो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ आगे मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। ये है चुकंदर की पेस्ट और इसको डालते हुए इसका भी आटा गूंद लेंगे। तो जितनी पेस्ट हमने डाली है एकदम परफेक्ट है, पूरी पेस्ट यहाँ पे लग जाती है। ज़रूरत पड़े तो आप पानी डालिए, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और इसी पेस्ट से आटा जो है हमारा बढ़िया से टाइट सा आटा गूंद जाएगा। और आगे के जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, तभी परफेक्ट से पापड़ आप घर पे बना पाओगे। और बिल्कुल जब आप खाओगे विश्वास नहीं होगा आपको कि घर पे हमने अपने हाथों से पापड़ बनाए हैं। बस ऑयल लगा के थोड़ी सी मसाज कर ली और ये आटा भी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब जो आगे के स्टेप्स है वो हम देख लेते हैं। पापड़ के हाथों को वॉश कर लिया, एक थाली ले ली मैंने और यहाँ पे पालक वाला आटा ले लिया और इसकी हमें करनी है पिटाई। तो हमें इसे ना कूटना है, तो आप इस तरह से कुछ ले लीजिए हैवी चीज़ जिससे आप अच्छे से उसको कूट सको। तो बस 2-3 मिनट आप बढ़िया से इसको कूट लो, तो इसमें अच्छा सा ना लचीलापन आ जाएगा आटे में। तो ये स्टेप आप बिल्कुल भूलिएगा बिल्कुल भी मत, कूटना है मतलब कूटना ही है आटे को, तब जाके पापड़ जो है ना बहुत ही प्यारे से बनेंगे पापड़, और बेलने में भी आपको पता चल जाएगा कि आटा कितना बढ़िया है। तो बस 2-3 मिनट मैंने अच्छे से इसको कूट लिया है, अब इसकी हमें खिंचाई करनी है, मतलब हमें पिटाई भी करनी है, खिंचाई भी करनी है आटे की, दोनों ही करना है और दोनों स्टेप्स बिल्कुल भूलना नहीं है।
और आपको बिल्कुल खींचना है इसे, जब तक कि आपको लगे ना कि एकदम रबर की तरह हमारा आटा हो चुका है, तब तक हमें इसको 2-3 मिनट अच्छे से कूटना तो हो चुका, अभी खींचाई करनी है। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाते जाओ, अगर आपको लगे हाथ पे चिपक रहा है आटा, तेल लगा लो और बढ़िया से 2-3 मिनट आप बढ़िया से खींच लो, और खींचते खींचते आपको पता चलेगा कि आटे का जो कलर है ना वो लाइट होता जाएगा और बहुत बढ़िया सा लचीलापन आटे में आ जाएगा। आप देख रहे हो कितना लचीलापन आ गया आटे में, पहले कितना टाइट था आटा हमारा और एकदम लचीला सा आटा हो चुका है। तो बस यही चीज़ हमें चाहिए अपने आटे में। तो आटा भी हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको रख देते साइड में। अब चुकंदर वाला आटा ले लिया मैंने, इसकी भी कुटाई कर लेते। तो ये स्टेप जो है आप बिल्कुल भूलिए मत, ये 2 स्टेप्स बस आप कर लो तो पापड़ बहुत अच्छे से बनते हैं, मतलब बेलने में इतनी आसानी होती है आपको, और इसका जो टेक्सचर रहता है पापड़ का वो बहुत प्यारा सा टेक्सचर आता है। तो बस कूटना हो गया, अब इसको मैं खींच लेती हूँ बढ़िया से, एकदम रबर के जैसे हो जाना चाहिए आटा हमारा, इस तरह से हमें खिंचाई करनी है। तो अब थोड़ी सी मेहनत इसमें कर लीजिए तो पापड़ जो है एकदम परफेक्ट से बनेंगे और बहुत खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी है कि आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल आपको चेंज लगेगा पापड़ में कि नॉर्मल पापड़ और ये पापड़ और घर पे बने हुए इतने बढ़िया से फ्रेश से पापड़ आप बनाइए घर पे, और आप इनको साल भर स्टोर भी करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बना सकते हो। और ये पंखे की हवा में इजीली सूख जाते हैं, तो धूप दिखाने की भी आपको ज़रूरत नहीं, कोई भी मौसम में आप बना सकते हो पापड़। तो चलिए दोनों आटे रेडी है हमारे, अब एक आटा मैं ले लेती हूँ पालक का और इसकी हम लोइयाँ बना लेते हैं। तो इसको मसल के इस तरह से रोल कर लेती हूँ मैं और फिर हम इसकी लोइयाँ काट लेंगे। तो छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मैं यहाँ पे बड़े बड़े पापड़ बना रही हूँ तो इतनी लोई में से ना मैं 8 लोइयाँ मतलब काट रही हूँ, इतने आटे की 8 लोइयाँ बना रही हूँ, 8 पापड़ मतलब बनेंगे। अगर आप थोड़े से छोटे बना रहे हो तो 10 पापड़ आपके इतने आटे में से बन जाएंगे। तो एक कटोरी आटे में से मैं यहाँ पे 8 पापड़ बना रही हूँ, एकदम बड़े बड़े से पापड़ बनेंगे, दिखने में मस्त लगेंगे, जिसे बाहर रेडीमेड लगते हैं ना बड़े बड़े पापड़, बस वैसे ही दिखेंगे और खाने में एकदम मस्त है, बहुत अच्छे हेल्दी पापड़ एक तरह से, और एकदम चेंज लगेगा। नॉर्मल पापड़ हम रोज़ ही खाते हैं, एकदम अलग लगेगा। अगर मेहमानों को आप सर्व करोगे तो वो हैरान हो जाएंगे, यार ये कौन से पापड़ है, किस तरह के पापड़ हैं ये, एकदम अलग है, स्वाद बहुत अच्छा आएगा और कलर तो आप देख रही हो कितना अच्छा आया है। थोड़ा सा मैंने इसको बेल लिया है, अब सूखा आटा लगाते हुए इसको और बेलेंगे। तो ये आटा वही है जो पापड़ वाला आटा है हमारा, उड़द और मूंग दाल वाला, वही आटा लगा के और इसको वापस से बेलना है। तो जितना आप अच्छे से इसको बेल सको, जितना पतला आप बना सको उतना आप पतला बनाओ, ज़रूरत पड़े थोड़ा सूखा आटा फिर से आप लगा लो और फिर से आप उसको बेल लो, तो जितना आप स्ट्रेच करके बनाओगे बहुत ही अच्छा पापड़ बनेगा। चलिए मेरा पालक का पापड़ तो रेडी है और मैं यहाँ पे चुकंदर का आटा ले लिया, इसको भी सेम तरीके से हम मस लेंगे थोड़ा सा और इसके काट लेते हैं पीसेस। तो इसकी लोइयाँ काट लेते हैं और इसको भी मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ, बड़े बड़े पापड़ 8 बनेंगे हमारे, छोटे बना रहे हो तो आप 10 पापड़ आराम से बन जाएंगे इतने आटे के। थोड़ा सा तेल लगा के पहले हम छोटा सा बेल लेंगे, इस तरीके से बनाइए, आप देखिए बहुत इजीली बेल जाता है, कोई चिपकता नहीं है और इतना प्यारा लगता है पापड़ ये, मतलब बेलते हुए भी आपको खुशी होगी। इसको भी हमने सूखा आटा लगा लिया, वही उड़द दाल मूंग दाल वाला आटा, पापड़ का आटा लगाते हुए इसको बेल लिया। बेलने में थोड़ी सी आपको लगे दिक्कत हो रही है, कहीं चिपक रहा है तो फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा लो और फिर से आप बेल लो। तो जितना आप बड़ा बना सकते हो, जितना आप उसकी खिंचाई कर सकते हो उतना आप बनाइए पतला। तो ये पापड़ बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मेरे डाइनिंग टेबल पे चादर बिछाई है और सारे पापड़ मैंने यहाँ पे रख दिए हैं सूखने के लिए। आपको बिलीव नहीं होगा, ये मैंने रात में बनाए थे, कल रात में 11 से 12 के बीच में ये पापड़ मैंने बनाए हैं और रात में मैंने इनको छोड़ दिया था सूखने के लिए। वैसे तो जल्दी आप सूख जाते, 1-2 घंटे में पापड़ जल्दी सूख जाते हैं, थोड़ा सा 15-20 मिनट होने के बाद आप इनको पलटा दीजिए। तो मैंने एक बार पलटा दिया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था रात में, रात भर में ये बहुत अच्छे से टाइट कड़क हो गए थे, ऐसा लगता था जैसे धूप में मैंने सुखा लिए हो, और पंखा नहीं चलाया था मैंने, बिना पंखे के इसको सुखाया था, पंखा चलाती तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते, तो बिना पंखे के मैंने इनको सुखा लिया और रात में ही मैंने ये बनाए हैं फ्रेश पापड़, और सुबह बिल्कुल ये बिल्कुल तैयार थे और दिखने में आपको लग रहा है ना मस्त एकदम, और मैंने अल्टरनेट करके बिछाए तो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सूखने के बाद मॉर्निंग में मैं आपको दिखा रही हूँ, सूखने के बाद बहुत बढ़िया से हार्ड हो चुके थे पापड़, बहुत ज़्यादा तो हार्ड हमें करना नहीं है बट मैंने रात भर क्योंकि छोड़ दिया था इसे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमें सेकना कैसे है। तो गैस पर मैं आपको सेक के दिखा रही हूँ, बहुत प्यारे से पापड़ बनते हैं। और हाँ, बेकिंग सोडा मैंने नहीं डाली क्योंकि जब बेकिंग सोडा हम डालते हैं ना पापड़ आप सेकते हो तो एकदम बबल्स बबल्स बलून बलून से बन के आते हैं, तो वो बेकिंग सोडा की वजह से होते हैं। और कई बार पापड़ का कलर चेंज हो जाता है, लाल लाल से हो जाते हैं, नॉर्मल पापड़ भी लाल लाल हो जाते हैं, तो वो बेकिंग सोडा की वजह से होते हैं। तो बेकिंग सोडा को आप स्किप ही कर लो, आप सिर्फ पापड़ खा डालो, तो आप देखो परफेक्ट से पापड़ बनेंगे, जैसे बाजार के रहते हैं ना बिल्कुल वो बबल्स नहीं आते हैं उसमें सेकते हैं। तो बस बेकिंग सोडा आप स्किप कर लो, मत डालो, और पापड़ खार आप ले लो। नॉर्मली आपको नहीं मिल रही पापड़ खार तो आप ऑनलाइन मिल रही है, आप ऑनलाइन आप देख लो, ऑनलाइन मिल रही है तो आप वहाँ से आप ले सकते हो।
तो बस पापड़ खराब डालो, पापड़ में बहुत अच्छे से पापड़ बनते हैं। गैस पे सीखना हो चुका, तवे पे आपको दिखा रही, थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसको हम सीखेंगे। तो अक्सर मेरे हस्बैंड को तो पापड़ इस तवे वाले बहुत पसंद आते हैं, तो पराठे के साथ तो मैं अक्सर तवे वाला ही पापड़ सेक के परोसती हूँ, तो बहुत बढ़िया लगते हैं पापड़। तो आपको कैसा तरीका पसंद है, गैस वाला तवे वाला? तो मैं दोनों पापड़ आपको दिखा रही हूँ कि तवे पे कैसे लग रहे हैं सीखने के बाद। पालक वाला हो गया, ये चुकंदर वाला पापड़ है, तो एक तरह से हेल्दी हो गया पापड़। ये नॉर्मल पापड़ हम हमेशा खाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और हेल्दी लगेगा, खाने में भी टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। और इनको मैं फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ, अक्सर बच्चों को फ्राइड पापड़ पसंद आते ना, तो इनको फ्राई भी करके मैं दिखा रही हूँ कैसे लग रहे हैं फ्राई करने के बाद। आप माइक्रोवेव में भी, ओवन में भी इसको आप माइक्रोवेव कर सकते हो, जस्ट 45 सेकेंड्स के लिए आपको माइक्रोवेव करना है, तब भी बहुत अच्छे से सिक जाते हैं पापड़। तो आपको कौन सा तरीका पसंद है पापड़ खाने का, किस तरह से सेका हुआ पसंद है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, एकदम नए तरह के पापड़ आपने कभी खाए हैं क्या? नहीं खाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये पापड़ आपको कैसे लगे, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, जितना आप शेयर करोगे अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों के पास ही हमारी रेसिपी पहुँचेगी पापड़ की। तो एकदम नए तरीके के पापड़ हैं, सबके पास ये रेसिपी पहुंचनी चाहिए। और घर पर आप ये पापड़ आप ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएंगे। टेस्ट बहुत बढ़िया है, टेक्सचर बहुत बढ़िया है पापड़ का, और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से पापड़ बने, आप साउंड सुन सकते हो, बहुत ही क्रिस्पी है। तो ज़रूर आप ये ट्राई करें और प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और एक प्यारा सा कमेंट प्यारे से पापड़ के लिए तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री गणेश, वाहे गुरु।